वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन इज फॉर यू। आज की वीडियो स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो होने जा रही है, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पीजी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेज। जो भी स्टूडेंट्स एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है, वो सब स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग वीडियो हम आपको लाइव दिखाएंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसके अलावा आपने इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्कीम कैसे शो होगी और कौन सी स्कीम आपने कैसे चूज करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को होंगे वो आपने कैसे अपलोड करने हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो में सेटअप बाय सेटअप बताएंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में आपके साथ नोटिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ड्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है किसी भी स्टेप में, आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का सपोर्ट भी देते हैं, जहां पे आप हमें कोई भी क्यूरी रिलेटेड आवर वीडियोस पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे, चाहे वो जॉब के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड हो, सबसे पहले अगर आपको मिलती रहे तब जाके आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अलावा आपने हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि हर कोई हमारे वीडियो से बेनिफिट्स उठा सके। करते स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में आपने एनएसपी टाइप करना है, चाहे आप अपने मोबाइल ब्राउजर से और डेस्कटॉप के ब्राउजर से, आप अपने मोबाइल से भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम का एक ऑप्शन आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे यूजीसी एआईसीटी स्कीम में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में जो है वो स्कीम नजर आती होगी, पीजी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग डेट की बात करें, यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पे 31 सितंबर रहने वाला है। लेटर ऑन यहाँ पे जो डेट्स है वो यहाँ पे एक्सटेंड भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमें स्टूडेंट्स लेटर ऑन ये भी पूछते हैं कि हमारा जो अभी एडमिशन वो अभी नहीं हुआ है तो हम इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेटर ऑन जब आप देखेंगे यहाँ पे जो स्कॉलरशिप डेट्स है वो आपको यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ की गाइडलाइन जो है वो यहाँ पे रीड आउट करेंगे। गाइडलाइंस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक ऐसी नोटिफिकेशन जो है वो शो हो जाएगी। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव वो आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो भी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्सेज इन पीजी करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप अपने वेबसाइट में लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें यहाँ पे एमई, एमटेक, एमसीए, एमबीए, इसके अलावा पीजी इन मैनेजमेंट, इसके अलावा अगर आप बीएड, एमएफए, एमबीए, आप कौन सी पीजी डिग्री करते हो, आप अपने ब्राउजर में टाइप कर सकते हो क्या जो आपकी डिग्री है वो प्रोफेशनल है। अगर वो प्रोफेशनल है तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो भी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू मास कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट है, चाहे वो जर्नलिज्म से हो, वो यहाँ पे एज ए नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज माने जाते हैं, वो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोसीजर रहने वाला है वो हम आपको लाइव दिखाएंगे, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपको यहाँ पे अमाउंट है फॉर एमई एंड एमटेक स्टूडेंट्स, आपको 7800 पर मंथ यहाँ पे दिया जाता है। और जो स्टूडेंट्स इन दो कोर्सेज के अलावा कोई और पीजी यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उनको यहाँ पे 4500 पर मंथ दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे जो आपकी स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में दी जाती है, जो भी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं क्या वो इसके लिए एलिजिबल है, नहीं, ये जो स्कीम है ओनली एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो भी जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्टेंस मोड में कोई कोर्स कर रहे हो तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम सेकंड ईयर
पीजी में है तब जाके हम क्या इसके लिए एलिजिबल है? नहीं, आप तब जाके भी इसके लिए एलिजिबल नहीं कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने इनकी वेबसाइट में जाना है, हम डायरेक्ट आपको लिंक देंगे, आपने इनकी वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस पे क्लिक टिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलेगी, मोर देन 20 वीडियोस है, आप चेक कर सकते हैं कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप उस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत ही ईजी है, सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टेट चूज करनी है, स्टेट चूज करने के बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी कौन सी है आपने यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका जो नेम है एज पर आधार वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद स्कीम टाइप, आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। उसके बाद जो आपकी डीओ भी है वो आपने यहाँ पे देनी है, मोबाइल नंबर देना है आपने, ये जो मोबाइल है लेटर ऑन इस पे आपको ओटीपी आएगा और उसके बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फर्दर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है, बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो आपने यहाँ पे देना है, कन्फर्म आईएफएससी कोड देना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उस बैंक का नेम वेबसाइट में दे सकते हैं, वहां से आप आईएफएससी जो कोड है वो यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर भी देना है। उसके बाद मोस्टली इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आधार है वो आपने यहाँ पे डिटेल्स देनी है, आधार कार्ड आपने चूज करना है, उसके बाद आधार कार्ड, क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है वो यहाँ पे आधार की होती है। आधार यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भेजा गया होगा, इसके अलावा आपको डिस्प्ले पे भी शो हुआ होगा, आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो लॉगिन का पेज है वो शो हो जाएगा, आपने सेम एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे देनी है जो ऑलरेडी आपको एसएमएस की गई होगी। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे पासवर्ड है वो भी आपको आपके मोबाइल नंबर पे भेजा होगा, जो आपका डीओबी है वो सेम यहाँ पे आपका पासवर्ड है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो कैप्चा है वो टाइप करना है, कैप्चा टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे जो है लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा गया होगा, आपने वो जो ओटीपी है यहाँ पे टाइप करना है। ओटीपी टाइप करने के बाद अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आया आप रिसेंट भी यहाँ पे ओटीपी कर सकते हो। ओटीपी देने के बाद आपने यहाँ पे कन्फर्म ओटीपी पे क्लिक करना है, कन्फर्म ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू पासवर्ड रखना है। लेटर ऑन जब भी आप अपना एप्लीकेशन यहाँ पे लॉगिन करोगे आपने यहाँ पे सेम यूजर नेम और इसके अलावा सेम पासवर्ड देना है, तब जाके आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हो। आपके पासवर्ड में यहाँ पे मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, आपका स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स नंबर्स होने चाहिए, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 123 एट द रेट स्कॉलरशिप यहाँ पे दे सकते हो। सक्सेसफुली न्यू पासवर्ड रखने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो एप्लीकेंट आधार वेरीफाइड वो आपको यहाँ पे यस हो जाएगा, क्योंकि जो आपका आधार है वो यहाँ पे ऑनलाइन वेरीफाई होता है। That means आपने यहाँ पे जो आधार है वो आपने यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ पे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दी है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे रिलीजन जो है वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो वो आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका फादर्स नेम क्या है, आपका मदर्स नेम क्या है, आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया था कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, कितनी इनकम यहाँ पे एलिजिबल है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा। इसके अलावा आपने यहाँ पे डे स्कॉलर और होस्टलर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने यहाँ पे जो एकेडमिक डिटेल्स है वो यहाँ पे देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट करना है, आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो स्टेट है वो यहाँ पे देना है, उसके बाद जो इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट जो है उस पर क्लिक करना है, आपको जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है उसका आपने यहाँ पे नेम देना है, आपको यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं है आप अपने वेब ब्राउजर से अपने इंस्टीट्यूट का जो AISHE कोड है वो दे सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूट बेस्ड देना है,
उसके बाद आपने जो यूनिवर्सिटी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो वहाँ पे एडमिशन एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। एडमिशन ईयर कौन सा है आपका वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। आपको यहाँ पे एज अ फ्रेश यहाँ पे टाइप करना है। रोल नंबर क्या है आपका वो आपने यहाँ पे देना है। सेक्शन कौन सा है आपका वो आपने देना है। अगर कोई अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे ब्लैंक इस सेक्शन को छोड़ना है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास और कोर्स कौन सा है आपका आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रेजेंट क्लास जो है वो आपने एज ए फर्स्ट ईयर यहाँ पे करना है। आपको यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी आपने यहाँ पे रेगुलर करना है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास स्टेट दे उसके बाद आपने यहाँ पे एक प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट बताना है। उसके बाद प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी रही थी। प्रीवियस कोर्स आपका कौन सा रहा था वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रीवियस पासिंग ईयर कौन सा रहा था आपको वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रीवियस क्लास परसेंटेज कितनी रही थी वो आपने यहाँ पे बतानी है। यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रहे थे कि नहीं वो आपने बताना है। टेंथ की डिटेल्स आपने यहाँ पे जैसे रोल नंबर बोर्ड नेम ईयर ऑफ पासिंग और टेंथ की जो मार्क्स है वो आपने यहाँ पे जो है फिल करने हैं। उसके बाद ट्वेल्थ की डिटेल्स अगर आपके पास है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जिस भी फील्ड पे स्टार है खाली वही फील्ड आपने यहाँ पे मैंडेटरी फिल करना है। इसके अलावा अगर आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई किया है उसका नेम आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद एग्जाम कंडक्टेड बाय किसने किया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम रोल नंबर और उसके बाद एग्जाम ईयर जो है वो आपने यहाँ पे बताना है। लास्ट में आपने यहाँ पे इज ऑर्फन यस आर नो बताना है। गॉर्डन नेम क्या है आपका वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद क्या आप डिसेबल्ड है यस आर नो अगर यस है तब जाके आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे बतानी है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आप मैरिड है कि अनमैरिड वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। पेरेंट्स प्रोफेशन क्या है वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद एनी ऑफ पेरेंट्स नॉट अलाइव अगर है वो आपने यहाँ पे बताना है। अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पे आपने यहाँ पे टिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो शो हो जाएगी। अभी के लिए जो हमने आपको स्कॉलरशिप बताई थी वो हमने यहाँ पे बताई थी पीजी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेज। आपने ये वाली जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे चूज करनी है। यहाँ पे अदर स्कॉलरशिप जैसे मेरिट कम मीनस भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर एसटी स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे पीजी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जैसे कास्ट की सर्टिफिकेट एससी एसटी और यहाँ पे ओबीसी भी मेंशन किया गया है लेकिन जो स्कॉलरशिप है वो खाली एससी और एसटी के लिए है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। सर्टिफिकेट नंबर ये फर्स्ट है आपने फर्स्ट कहना है। डेट ऑफ इशू क्या हुआ है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट का वो आपने यहाँ पे चूज करना है। प्लेस ऑफ इशू क्या हुआ है वो चूज करना है। आपको इशू किसने की वो चूज करनी है। उसके बाद जो फाइल है वो आपने यहाँ पे चूज फाइल करनी है। आपकी फाइल का मैक्सिमम साइज यहाँ पे 200 KB का होना चाहिए। अगर आपकी फाइल यहाँ पे मोर देन 200 KB है आप imagecompression.com अपनी वेबसाइट पे कर सकते हो। वहां पे आप अपनी इमेज को जितना हो सके कंप्रेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड नाउ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे मैसेज आएगी इमेज हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रॉस करना है। इसी तरह ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो आपको यूनिवर्सिटी से मिला होगा चाहे वो फी रिसेप्ट हो चाहे वो कोई भी ड्राफ्ट हो या बोनिफाइड वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। सर्टिफिकेट नंबर 2 रखना है। उसके बाद डेट कब इशू हुआ है। इसी तरह आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद बोनाफाइड आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद उसको आपने सिग्नेचर लाना है डिपार्टमेंट से करके जिस भी यहाँ पे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इसके अलावा जो नोडल ऑफिसर ऑफ इंस्टीट्यूट है वहां से आपने सिग्नेचर लाना है करके नेम डिजिग्नेशन बताना है। उसके बाद प्रिंट करके आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसी तरह बोनिफाइड अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन को जो है वो सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने होम डिस्ट्रिक्ट होवस नंबर और पिन कोड जो है आपका क्या आप रूरल और अर्बन से है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है आप सेव एज ड्राफ्ट रख सकते हो। लेटर ऑन आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे सक्सेसफुली अपनी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे सबमिट कर दी आपने यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना फाइल का जो स्टेटस है वो चेक करना है। आपको यहाँ पे स्टेटस चेक आएगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है आपको अब ये इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करके लानी है। आपने ये जो फाइल है वो यहाँ पे प्रिंट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन जो है आफ्टर फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन आएगी आपने वो प्रिंट करके लाना है। उसके बाद डिपार्टमेंट में सिग्नेचर करके लाना है और उसके बाद आपने वहाँ पे इंस्टीट्यूट में ही वो फाइल जो है विद डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है। आपकी सबसे पहले यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट से है जो ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद लेटर ऑन जो भी वेरिफिकेशन होगी
वो आपको पता चलेगी जब भी आप स्टेटस यहाँ पे देखोगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि डीजी लॉकर से लिंक अपने डॉक्यूमेंट्स करें, आप यहाँ पे लिंक डीजी लॉकर इसके साथ कर सकते हो, उसके बाद वहां से डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां से रिट्रीव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म कोई प्रॉब्लम रहती है या अगर आपको सीक्यू में शो नहीं होती, कोई प्रॉब्लम आती है, आप यहाँ पे विड्रॉ एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे विड्रॉ एप्लीकेशन करने के कोई भी रीजन यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे आई डी क्लियर पे क्लिक करना है और विड्रॉ एप्लीकेशन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो यहां पे कर सकते हो इस एप्लीकेशन का। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द पीजी स्कॉलरशिप फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेज। ड्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तब जाके आपने डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट इसके अलावा जरूर करना। थैंक यू।